आज मैं आपके साथ मीठी दही पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर आप जलेबी खाना भी भूल जाओगे। इस लॉकडाउन में घर की सिर्फ 3 ही चीज़ों से आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो इतनी सॉफ्ट और रसीली दही पूरी बनी है कि मुंह में रखते के साथ ही घुल जाएगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपकी भी पूरी मेरी तरह ही रसीली बने। मीठी दही पूरी बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 1 कटोरी, सूजी 1/2 कटोरी, मोन के लिए तेल 2 चम्मच, ऑरेंज फूड कलर और दही। दही हमें खट्टा ही लेना है, तो 4 चम्मच मैंने दही लिए हैं। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसका एक डो जैसा बनाना है। इस आटे को मैं दही में ही गूंद रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा और दही ऐड करूँगी। दही आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। तो इसका एक डो मैंने बना लिया है। अब इसे तेल लगाकर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फिर इसकी हम पूरियां बनाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। 15 मिनट इसे रेस्ट करने का कारण ये है कि इसमें दही अच्छे से आटे में मिक्स हो जाता है, तो ये पूरियां बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी लगती है। जिस तरह जलेबी होती है उस तरह की ये पूरियां लगती है। इससे पहले हमें थोड़ा मसल लेना है, फिर हम इसकी छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे। तेल लगा के हमें इसकी पूरियां छोटी छोटी बना लेना है, फिर इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। तो इस तरह की पूरी बना लेंगे हम। तो इस तरह की हमें छोटी छोटी पूरियां बना लेना है। अब हम सभी आटे की पूरियां बना लेंगे। चाशनी में मैंने पानी, शक्कर, इलायची पाउडर डाला है और इसे उबाल कर इसकी चाशनी बना ली है। इस तरह की देखिए, ये हाथ पे चिपक रही है, ये चाशनी मैंने तैयार कर ली है। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, अब मैं इसमें पूरियां फ्राई करूँगी। सभी पूरियां मैंने बना ली हूँ, तो धीमी आँच पर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह की हमें पूरियां फ्राई कर लेनी है और फिर इसे हम चाशनी में डाल देंगे, ताकि ये जो हमारी पूरी है तो ये खट्टी मीठी बनके तैयार हो। तो ये चाशनी में डाल रही हूँ मैं इसे। तो थोड़ी देर हमें इसे चाशनी में मिक्स कर लेना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसे चाशनी में नहीं रखना है, फौरन ही फ्राई करके चाशनी में डाल के निकाल लेना है। तो इसी तरह हम सब पूरियों को फ्राई कर लेंगे। मीठी दही पूरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। इसे बनाकर आप फ्रिज में 10 दिन तक भी रख सकते हो पैक डब्बे में, तो भी ये अच्छी रहेगी। और जब भी आपका रमज़ान में खाने का दिल हो तो आप इसे इफ्तार में निकाल कर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है ये मीठी दही पूरियाँ।